बादशाह की तरफ से हमें एक ना ट्वीट देखने को मिला था जो कि रफ्तार का जो भी सॉन्ग आने वाला है हार्ड ड्राइव 2 उससे रिलेटेड, जिसमें वो कहते हैं कि आई स्वेयर आई किड यू नॉट SDV 2 इज प्रॉपर्ली द ग्रेटेस्ट इंडियन रैप एल्बम टू एवर कम आउट, रफ्तार इज इन अनदर गैलेक्सी विद दिस वन। एंड एक और रिट्वीट करते उसमें लिखते हैं कि इफ ही एवर डिसाइड्स टू ड्रॉप इट। एंड कलमकार के जो मैनेजर है अंकित खन्ना, उन्होंने बादशाह के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और उन्होंने अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाई और इसके नीचे लिखा कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रफ्तार के एक फैन ने रफ्तार से कहा था कि भाई हार्ड ड्राइव 2 आप जल्दी से आप ड्रॉप करी दो, बहुत सफर कर लिया हमने। तो रफ्तार ने उसका जवाब इस तरीके से दिया, डार्लिंग फल डायबिटीज से भर के दूंगा। तो कुल मिला के ये कि बहुत ही जल्द हमें रफ्तार का हार्ड ड्राइव 2 सुनने को और देखने को मिलेगा। एंड बादशाह का जब नाम आ ही गया है तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, रोहन करियप्पा की तरफ से ना एक रील देखने को मिली जिसमें वो बादशाह की एक्टिंग करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है यूथ के लिए आपने कैसा एग्जांपल सेट किया? देखिए सौरभ जी, जंगल में आग लगी हाथ किसने से जब कोई जंगल में आग लगी और जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं आप जिंदगी में? सौरभ जी, मुझे एक बार गुलजार साहब ने ये बात बोली थी कि आसमान भी फाड़ देंगे सी भी फाड़ देंगे, फ्यूचर के बारे में सवाल किया तो आपकी जी भी फाड़ देंगे। देन इस रील पर बादशाह ने कमेंट किया, दिल्ली में घर घर में रसोई रसोई में डब्बा, कॉन्ट्रोवर्सी मिलकर करने में सबसे आगे रोहन करियप्पा। एंड एक और कमेंट किया, ये अच्छा लगा तुझे, अब हम बात करेंगे हनी सिंह, नहीं उनके मैनेजर की। अभी तक हम देख रहे थे कि हनी सिंह वर्सेस बादशाह चल रहा था, लेकिन अब हनी सिंह के जो मैनेजर हैं RDM वो भी अब इस मैटर में ना इन्वॉल्व हो चुके हैं। RDM की तरफ से हमें कुछ स्टोरी देखने को मिल रही थी, तो अब हमें एक और स्टोरी देखने को मिली है। हेलो गाइस, अभी इन राइट कुछ गलत सीख गया मैं, काफी इधर सोच रहा मैं वीडियो बनावा ना बनावा। रिसेंटली काफी वीडियो सर्फेस हुई है, बहुत इंटरव्यू और बहुत कुछ सर्फेस हो रहा है अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लॉट ऑफ क्लेम्स हैज बीन मेड एज वेल कि असी आग कीता सी वो कीता सी। मैं सिर्फ दो तीन गल्लां इच कहूंगा ज्यादा, मैं आई डोंट रियली लाइक कंट्रोवर्सीज नो दैट। कि पहली गल तो है कि जे आप एडिट गल्लां मारी जाने हैं, ठीक है, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਚੁਕਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉੱਡਾ ਗਿਲਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਅ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਗੁੜੇ ਬਣਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਜੇ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ ਐਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਲੈਣੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਟੂ ਮੀ ਐਟ ਆਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਇਨ ਫੇਅਰਨੈਸ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਰੀਅਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਮੀਨ ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਮਿਲੀਨੇਅਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੋਰੀ ਮਿਲੀਨੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਰੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਹੇ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਓਪਨ ਅਪ ਦ ਵੋਟਸ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਫੋਰ ਦ ਸੌਂਗਸ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਵਿਚ ਸੌਂਗ ਯੂ ਲਾਈਕ, ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਯੂ ਵਾਂਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਖੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਮ, ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਯਹੀ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਥੀ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, यार बोलना पड़ता है डेली, कर दिया करो यार। चलो विरले साहिदा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो मिलती हूँ अब मैं आपको बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।